महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बात करें और उसी दिन बिल्किस बानो की रेप करने वाले 11 लोगों को सजा जो उससे माफ करते हुए जेल से छोड़ दिया जाए, तो हम ये जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार लोगों के साथ न्याय कर रही है। जाएगा कितने दस मोदिया हो, जाएगा कितने दस मोदिया तेरा रख दांगे ताकत हलाके। अगर रेपिस्ट संस्कारी होने लगे तो वो कोई जाति का व्यक्ति नहीं होता। हम हमेशा कहते हैं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, वो मेरी जाति, आपकी जाति, किसी की भी जाति से हो सकता है। ये सरकार कर दे की वाहेगुरु जी का खालसा। हम गुजरात से नहीं आते, मध्य प्रदेश से आते, लेकिन इतना जानते हैं कि जब बलात्कार की सजा किसी को हो चुकी हो तो वो बलात्कारी होता है। उसको आप ये कह के नहीं छोड़ सकते कि वो संस्कारी होता। कल को तो कोई भी जाति का आदमी बलात्कार करे तो उसको संस्कारी कहने लगोगे क्या? मैंने आपसे कहा अपराधी की कोई जात नहीं होती, जात तो आप ढूंढ रहे हो, आप मुझे जाति का बोध करा रहे हो, अपराध तो आप कर रहे हो। देखिए भाई साहब, आप ये मत कहो, हमें मत घुसाइए, हम पार्लियामेंट में नहीं बैठे हैं, ये राजनीतिक बात में हमसे मत फंसाइए। सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, इसलिए हम एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, पुरजोर तरीके से दिल्ली की सड़कों पे पुनः किसान बैठेगा। हो पुट्ठा पंगा ले ला मोदिया, हाथ किसाना दी जमीन नु पाके। पुट्ठा पंगा ले ला मोदिया, हाथ किसाना दी जमीन नु पाके। पुट्ठा पंगा ले ला मोदिया वे, हो पहला नोटबंदी ला ली वे, पहला नोटबंदी ला ली देश सारा तू लैन बिच लाया। पहला नोटबंदी ला रही देश सारा तू लैन बिच लाया। जाएगा कितने दस मोदिया हो, जाएगा कितने दस मोदिया तेरा रख दांगे ताकत हलाके। पुट्ठा पंगा ले ला मोदिया हो, पुट्ठा पंगा ले ला मोदिया, हाथ जट्टा दी जमीन नु पाके। पुट्ठा पंगा ले ला मोदिया उधम सिंह सूरमे ने डर ठोकया लंडन बिच जाके। उधम सिंह सूरमे ने डर ठोकया लंडन बिच जाके। जाड़ थले जदों आ गया हो, जाड़ थले जदों आ गया तैनू रख दांगे मोदिया चवाके। पुट्ठा पंगा लै ला मोदिया हो, पुट्ठा पंगा लै ला मोदिया, हथ जट्टा दी जमीन नु पाके। पुट्ठा पंगा लै ला मोदिया वे, हो मन्नी डानी पिछे ला ले देश बेच के खा गया सारा। भाई मन्नी डानी पिछे ला ले देश बेच के खा गया सारा। जाएगा कितने दस मोदिया हो, जाएगा कितने दस मोदिया, कितने जावेगा तू जान बचा के। पुट्ठा पंगा ले ला मोदिया हो, पुट्ठा पंगा ले ला मोदिया, हाथ किसाना दी जमीन नु पाके। पुट्ठा पंगा ले ला मोदिया वे, हो तीवी तेथों रखना होई किमें रखेगा तू देश बचा के। तीवी तेथों रखना होई किमें रखेगा तू देश बचा के। पुट्ठा पंगा ले ला मोदिया हो, पुट्ठा पंगा ले ला मोदिया, हाथ किसाना दी जमीन नु पाके। पुट्ठा पंगा ले ला मोदिया वे, हुण तक बड़ा जरिया वे, हुण तक बड़ा जरिया, हुण जाना ना सतों बह जरिया। हुण तक बड़ा जरिया, हुण जाना ना सतों बह जरिया। काले कानून रद्द कर दे, काले कानून रद्द कर दे, कित्थे जावेगा तू जान बचा के। पुट्ठा पंगा लै ला मोदिया हो, पुट्ठा पंगा लै ला मोदिया, हाथ जट्टा दी जमीन नु पाके। पुट्ठा पंगा लै ला मोदिया वे, कहिंदे गोरिया मुकदमा करिया, कहिंदे गोरिया गोरिया मुकदमा करिया, भगत सिंह सूरमे ते दफा ला के भी 300 दोदी ते फांसी वाली सजा करती। गोरे जज ने सुना दिता फैसला, कूर कोर बोले सूरमा मखणा मखणा, देश नु प्यारा जिंद तो वे असी रखना। मुलाकात नू जदों मां आई, भई मुलाकात नू
मुलाकात नहीं जदो माँ आई अखियां च पानी आ गया देख मां दे मां नू भगत सिंह बोलदा केड़ी गल हंजू गेर दी रख हौसला हौसला दिला दा पुत अम्मीए थापी दे भगत सिंह नू बोल के देश नू आजाद करना खून डोल के हक पैगी किसन सिंह बाप नू बई हक पैगी किसन सिंह बाप नू छाती नाल लाके मत्था चुम्मिया डोल जाइना लाड ले पुत जेल चो जिथ तेरा सी अजीत सिंह चाचा देसली शहीद हो गया हस के कौम लई किंज मरना हो गया दस के घंटी वजगी मुलाकात टुट गई भी घंटी वजगी मुलाकात टुट गई कढ लिया कोठड़ी चो भगत सिंह नू ला लिया मूरे गोरे आंधी गार दने जंद छेरने मारिया नारा इनकलाब जिंदाबाद दा फांसी देता देता भगत सिंह सूरमा मर जाए फांसी देने आवे राणा राणा बरत तरीके वाले आवे गया फाणा सोने अडवैर दियां गल्ला सूरमे नू कहंदे गुस्सा आ गया सोने अडवैर दियां गल्ला सूरमे नू कहंदे गुस्सा आ गया शेर मांगू गजे अबबर शेर सी भी गोरियां ते छा गया शेर मांगू गजे अबबर शेर सी भी गोरियां ते छा गया सुन ललकार उत्थे उधम से उदा मची हाकार सी सुन ललकार आए उत्थे उधम सिंह दा मची हाहाकार सी छेर मूरे भज निकली भी जिमें कहते बुचड़ा दी डार सी डके आना डक होवे सारी फौज गोरे आदि मूरे ला ली डके आना डक होवे सारी फौज गोरे आदि मूरे ला ली बुचड़ा दी टोली जेड़ी कहते सिख होंदी सीधे राहे पा ली बुचड़ा दी टोली जेड़ी कहते सिख होंदी सीधे राहे पा ली मड़िया दे वांगो उस हाल विच सी भी कहते चुप छा गई मड़िया दे वांगो उस हाल विच सी भी कहते चुप छा गई बारो बारी गोरे दी भी कहते हुण बारी आ गई देर ना लगाई उत्ते सूर मैंने किते कहते तीन फैर सी देर ना लगाई उत्ते सूर मैंने किते कहते तीन फैर सी गोली लगी गेड़ा खाके डिगया भी झट उत्थे अड़ वैर सी गोली लगी गेड़ा खाके डिगया भी झट उत्थे अड़ वैर सी दऊगा गवाइया इतिहास जगते देश ली जो कर गया दऊगा गवाइया इतिहास जगते भी देश ली जो कर गया अपनी शहीद करवान करके ते नौ उच्चा कर गया रहंदी दुनिया भी तक छेड़ दियां लोकी वारा गाउंदे रहणगे रहंदी दुनिया भी तक छेड़ दियां लोकी वारा गाउंदे रहणगे शहीदां दियां यादां विच रल मिल के ते मेले लाउंदे रहणगे जल्लेवाले बाग दा हो लैके बदला सी फर्ज निभागया जल्लेवाले बाग दा हो लैके बदला सी फर्ज निभागया कहे फेड़ वाली अब जिंद कौम दे भी कहते लिखे ला गया लैके कलगी थर तो थपड़ा हो कोई दिन खेड़ लै बई मौजा मार लै तै पज जावना वे कंगड़ा कच दिया लैके कलगी थर तो थपड़ा भई दिता चलनी शीस नवा बंदा सिंह बहादुर बन गया भई ले आ माधो ना बदला ओदे थर थर डौले फड़क दे हो गया खून अखा दे विच आ सज्जा हथ गया तलवार ते ओ सज्जा हथ गया तलवार ते बई दिता जाम छानुता ओहो तुरप्या बल सरहंद दे बई विच ते दगारे ला श्री साहिब दे खंडे चमक दे हो जावे करदा सब फना मुगलां दे सत्थर लग गए मुगलां दे सत्थर लग गए हो रहीआं तेगां सिरां नूं का मुखो बोले सो निहार दे सिंह रहे चकारे ला पईआं
ਭੱਜੜਾ ਖਾਨ ਵਜੀਦ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਖਬਰਾ ਸੂਬਾ ਕੰਬ ਗਿਆ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਓ ਸੂਬਾ ਕੰਬ ਗਿਆ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਬਈ ਗਈ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋ ਗਈ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਓਏ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਬਈ ਦਿੱਤੀ ਟਨਾਲੇ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਉਸਰੀਕੇ ਵਾਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿਲਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਟਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਓਏ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਓਏ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇਨੀ ਜੀ ਕਾ ਤੋ ਤੇਨੀ ਜੀ ਕਾ ਇਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਮੇਂ ਕਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਯਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਲੋਗ ਜਬ ਕਿਸੀ ਔਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਸੀ ਗਲਤੀ ਪੇ ਕਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਇਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣੇ ਲਗਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਜ ਜਬ ਖੁਦ ਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੋ ਕੇਵਲ ਇਸ ਬਾਤ ਸੇ ਇਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯਹ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਕਬ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ ਏਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੜੀਏ ਰਵੱਈਆ ਕੋ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਸੇ ਏਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੇ ਝੁਕਾਏਗਾ लेकिन टेनी वो भी बाहर आ गए जिनको जिन्होंने किसानों को पुतला रौंदा। देखिए देखिए जब देश आज़ादी के 75 वर्ष मनाए और एक तरफ प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बात करें और उसी दिन बिल्किस बानो के रेप करने वाले 11 लोगों को सजा जो उससे माफ़ करते हुए जेल से छोड़ दिया जाए तो हम ये जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार लोगों के साथ न्याय कर रही है। लेकिन वो तो कह रहे संस्कारी रेपिस्ट थे भाई, ब्राह्मण थे इसलिए भाई साहब अगर रेपिस्ट संस्कारी होने लगे तो वो कोई जाति का व्यक्ति नहीं होता। हम हमेशा कहते हैं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, वो मेरी जाति आपकी जाति किसी की भी जाति से हो सकता है। आप लोग चंदन लगा के आप चंदन सर सर मालाएं पहनाई जा रही है ब्राह्मणवाद में आप भी फंसे हुए हो फिर कहते हो भाई साहब चंदन लगाने वाला आदमी ब्राह्मणवाद में फंसा हुआ आप कैसे कह सकते हो? ये किस प्रकार की भाषा की बात कर रहे हो? हम यहाँ किसान ये जो एक संदेश देने आते हैं कि किसान की कोई जात पात नहीं होती। मैंने आपसे कहा अपराधी की कोई जात नहीं होती, जात तो आप ढूंढ रहे हो, आप मुझे जाति का बोध करा रहे हो, अपराध तो आप कर रहे हो। देखिए भाई साहब आप ये मतों में हमें मत घुसाइए, हम पार्लियामेंट में नहीं बैठे, ये राजनीतिक बात में हमसे मत फंसाइए, बात किसान की करनी किसान की करिए। बात ये है कि आपने बिल्किस बानो की बात जी बिल्किस बानो को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए लेकिन सरकार के काम पे देखिए हम केवल एक बात जानते हैं, हम गुजरात से नहीं आते मध्य प्रदेश से आते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि जब बलात्कार की सजा किसी को हो चुकी हो तो वो बलात्कारी होता है। उसको आप ये कह के नहीं छोड़ सकते कि वो संस्कारी होता है। कल को तो कोई भी जाति का आदमी बलात्कार करते उसको संस्कारी करने लगोगे क्या? सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, इसलिए हम एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी पुरजोर तरीके से दिल्ली की सड़कों पे पुनः किसान बैठेगा। क्या लगता है सर मेन मुद्दा क्या है? तो मोदी जी ने 3 कानून ऐसे ही वापस ले लिए थे क्या? अगर नहीं मानते हैं तो यूपी चुनाव था ना। देखिए चुनाव है क्या है ये राजनीतिक मुद्दा है, एक किसान से आप राजनीतिक सवाल करके हमारी बातों को मत घुसाइए। भाई यहाँ जो जितने खड़े किनाब नहीं लड़े और संयुक्त किसान मोर्चा का जो ये बैनर है राजनीतिक का इसमें एक भी आदमी आपको आज मंच पे ऐसा नहीं देखेगा चुनाव लड़ा है। जो 22 जत्थेबंदी चुनाव लड़े हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर है, बाकी की बात हमारे आगू लोग आपको अभी कह देंगे और स्पष्ट तरीके से 12 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात हम लोग कह चुके हैं। कह रहे थे कि 3 कानून वापस कर दिया गया जब आप मांग कर रहे थे MSP की, तो आपकी मांग थी फिर आप क्यों खाली कर दिया? हम आपसे क्या कह रहे हैं? हाँ। हमने आंदोलन स्थगित किया था, प्रधानमंत्री जी ने देश दुनिया के देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री ये कहे कि भाई मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूँ और वापस लेता हूँ, तो हमने उनकी बात मानी। उनने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी में हमारे साथ छल किया, जब आदमी छल करेगा तब ना दोबारा आएंगे। तो आप तो बोल रहे थे कि हम भरोसा नहीं करते प्रधानमंत्री। अरे भैया तो सारे लोग कह रहे थे, भैया जब भरोसा करके उठ गए और हमें एक पत्र दे दिया उसमें छलावा किया तब तो दोबारा आएंगे। सरकार के लोग आप लोगों ने इसमें एक मांग में एक और चीज जोड़ा है, अग्निवीर योजना का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। पहले तो अपनी बात को रखें ना, अग्निवीर क्यों? अग्निवीर हमारे बच्चे नहीं है क्या? वो जो बच्चे किसान के भर्ती होते हैं सैनिक में वो हमारे बच्चे नहीं है क्या? देशभक्ति का अलग जगा रहे हैं। देखिए भाई एक बात बताइए, सेना में जाने के लिए 4 साल, अब वो जो सांसद आदमी बन जाता है 1 साल के लिए, अभी हम लोग ट्रेन में आते हैं जनरल में धक्के खाते हुए, वो फर्स्ट एसी में अपने PSO के साथ बैठा रहता है आदमी और जिंदगी भर पेंशन लेता है, उनका क्यों नहीं काटते हैं? उनका भी काट दीजिए ना, आप सारी चीजें करना। भाई साहब सुनिए, ऐसा है, मेरी बात सुनिए, किसान और किसानी से संबंधित कोई बात करनी हो तो ठीक है, सरकार के एजेंडे का प्रश्न बार बार मेरे से मत करिए। भैया सबके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, आप अलग से एक सवाल लाके मेरे को परेशान मत करिए। धन्यवाद बहुत बहुत, बाकी सवाल आप हमारे वरिष्ठ नेताओं से पूछिए। जय किसान।